चलिए अगली हेडिंग पर आइए, रिमाइंडर थ्योरम। शेष पल करें, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। खासकर वो लोग जिनको सीजीएल देना है, सीपीओ एसआई को भी कंसीडर कर सकते हैं, सीरियस, ठीक है ना, कैट लेवल तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम लोग आधा घंटे में भी खत्म कर देते हैं, वो डिपेंड करता है आपको किस लेवल तक इस सवाल हल करने हैं। अगर आप चाहे तो कोई भी सवाल कहीं से भी आ जाए रिमाइंडर थ्योरम का सॉल्व हो जाए, तो इसमें 3-4 क्लास लगेगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप कितनी देर में समझ पाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर शेष क्या है आपको पता है, जब लोग भाग देते हैं तो शेष क्या है। तो आप पहली हेडिंग बनाइए इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के आधारभूत अवधारणाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, एक एक कॉन्सेप्ट में बताता चलूंगा। देखिए जितने जिसमें क्या क्या काम लगेगा उन सारी चीजों को पहले मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उनको आपको समझते चलना है, ठीक है। लिखेगा, माना माना तीन संख्याएं ए बी और सी है, माना तीन संख्याएं ए बी और सी हैं, ए बी और सी हैं, जिसे डी से भाग देने पर माना तीन संख्याएं ए बी और सी हैं, जिन्हें डी से भाग देने पर डी से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः आर ए, आर बी और आर सी प्राप्त होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि तीन संख्याएं ए बी और सी, जिसको डी से भाग देने पर जो शेषफल है वो क्रमशः आर ए है, आर बी है और आर सी है, मतलब तीन संख्याएं ए बी और सी। ए में हमने डी का भाग दिया तो शेषफल आया आर ए, बी में हमने डी का भाग दिया तो आया आर बी, और सी को हमने डी से भाग दिया तो शेष आया आर सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को डी से भाग देने पर शेषफल आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी को डी से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अब देखिएगा, ए इंटू बी इंटू सी को डी से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी। अलग अलग लाइन में लिखते चलिए, नई लाइन से उसको लिखते चलिए सब। ठीक,
a plus b minus c, a प्लस बी माइनस सी को d से भाग देने पर शेषफल क्रमशः आर ए प्लस आर बी माइनस आर सी प्राप्त होगा। ठीक, ये बात लिखने का मतलब ये है ना, आप पूरा फाइनल इसका कंक्लूजन समझिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं ना, कि जो प्रभाव हम भाज्य पर डालेंगे डिविडेंड, हम ए बी सी में किससे भाग दिए थे, डी से, तो ए बी सी क्या है भाज्य, डी क्या है भाजक, है ना, तीन संख्याएं ए बी सी, हमने इसको किससे भाग दिया, डी से, तो ए बी सी ये तीनों क्या है, ये तीनों है भाज डिविडेंड, है ना, हाँ, तो तीन संख्या थी ए बी सी, अलग अलग तीन संख्याएं, हमने उसमें डी का भाग दिया तो शेष आया आर ए आर बी और आर सी, ठीक है, तो तीनों संख्याओं के योग को अगर आप डी से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, अगर तीनों संख्याओं को मल्टीपल गुणा में डी का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी, अगर हम दो को जोड़ के एक को माइनस कर दें तो आप क्या देख रहे हैं, कल इस बात से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो प्रभाव हम भाज्य पर डालेंगे वैसा ही प्रभाव शेष पर भी पड़ेगा, लिख लो इसके नीचे, अर्थात अर्थात जैसा प्रभाव हम संख्याओं पर डालेंगे या भाज्य पर डालेंगे डिविडेंड, जैसा प्रभाव हम डिविडेंड पर या भाज्य पर डालेंगे वैसा ही प्रभाव शेष पर पड़ेगा, ठीक है, छोटी सी बात मैंने आपको समझाया कि जो प्रभाव हम भाज्य पर डालेंगे वैसा ही प्रभाव शेष फल पर भी आपको दिखाई देगा। अब इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, हाँ, शुरू में आपको यही चीज कहना चाह रहा जो शुरू में, अब आप देखिए रियल में मैथ होती क्या है ना, हाँ, अब आप समझिएगा, आप जब आए थे ना चेक करने के लिए कि कैसा पढ़ाते हैं, कई लोग कहे सर एक बार पढ़ के देखने कैसा पढ़ाते हैं, तो तुम शुरू में क्या देखते हैं आप, शुरू तो यही पढ़ाए थे कि असंख्या को बनाने के लिए 10 अंक चाहिए, और क्या पढ़ाते हैं कि 11 अंक चाहिए, यही तो पढ़ाएंगे कि संख्या को बनाने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है, क्या इसमें मैं आपको बहुत बड़ा दमखम दिखा दूं, फेस वैल्यू बताए या प्लेस वैल्यू बताए, अब आया है, हाँ, अब देखो मैथ होती क्या है, ठीक है ना, हाँ, मैं तुमको कैसे सिखा रहा हूं, और ढूंढते रह जाओगे तुम किताब में इसको, ठीक है, हाँ, अब तुम समझो पूरा दमखम तुमको लगाना है, ठीक है, जितना तुम लगा सकते हो जितना हम लगा सकते हैं, एक एक लोग को समझ में आएगा, और अच्छे एग्जाम में ना सीजीएल में सीडीएस में कैड में ये सब चीजें पूछी जाने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का कहीं का सवाल आ जाएगा आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लोग थोड़ा दो चार लाइन पढ़ के आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तभी इसमें समय लगेगा, एकदम बी सीरियस, ओके, और मैंने आपको शनिवार को ही बता दिया था, अगर आप कोई भी व्यक्ति गायब हुआ भी इससे तो उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप रोज आओगे तो आपको समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी, जब तक आपको समझ में आएगा नहीं क्लास आगे बढ़ेगी नहीं, चलिए तो बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, हाँ, अब आप अपने कॉपी में कंटेंट देखिएगा और ढूंढिएगा जाके पूरे बाजार में
कि कौन सी किताब है जो हमें मिल जाए पूरा पूरा, और जो किताब में मिल जाए हम ले आना, हम खरीदम वही किताब। अब जो मैंने बात आपको लिखवाई है इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है ना। बस समझते चलिए, अब आपका रोल कम है, अब मेरा रोल ज्यादा है, बस आप केवल हाँ और ना बोलना, समझ में आ जाए तो हाँ बोलना, ना आए तो ना बोलना। जैसे देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे मैंने ले लिया एक संख्या 11, हमने 9 से भाग दिया, कितना बचा? 2 बचा। फिर हमने एक संख्या ले लिया, कुछ भी ले ले, मान लीजिए हमने ले लिया 75, 9 से भाग देते हैं, कितना बचा? 3 बचा। दो संख्या, एक संख्या 11 है, एक संख्या 75, हमने 11 में 9 का भाग दिया तो 2 बचा, 75 में 9 का भाग दिया तो डिवाइडर कितना आया? 3 आया। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 11 में 75 जोड़ दीजिए, 86 आया। अब हम 86 में 9 का भाग दे के देखते हैं, कितना बचा? 5। देखिए ये दोनों प्लस हुआ कि नहीं हुआ, हमने 11 और 75 को जोड़ दिया, 11 और 75 क्या है? भाज्य है, डिविडेंड, हमने भाज्य को जोड़ा। देखिए शेषफल जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? देखिए ये है ना, यही चीज मैंने आपको लिखवाया है, बस समझ आई? ठीक है। अब देखिए फिर से हम जैसे 25, हम 25 में 9 का भाग देते हैं, कितना बचा? 7 बचा। अब हम लोग जो है 51 में 9 का भाग देते हैं, कितना बचा? 6 बचा। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, 25 प्लस 51 76, हम 76 में 9 का, कितना बचा? 4 बचा। हमने तो आपको यह सिखाया था कि अगर दो संख्याओं में 9 का भाग देंगे तो शेष जो बचेगा, अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ के 9 का भाग देंगे तो शेष फल भी जुड़ जाएगा, यही बताया ना आपको। अब देखिए यहां पर 7 6 13, तो नियम तो फेल हो गया है ना, तो यहां पर शेषफल प्लस हुआ नहीं हुआ? है ना, नहीं हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, वही तो आपको देखना है। हाँ बिल्कुल सुनिएगा, कभी भी शेष का मान भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा ना, और किसी संख्या में 9 से भाग देने पर कभी भी शेष 13 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ऑलवेज विल बी लेस देन आर इक्वल टू डिवाइडर। मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल है उसका मान भाजक के बराबर या उससे कम होगा, इसलिए अगर यहां पर जब रिमाइंडर हमने 7 और 6 को जोड़ा 13 आया, तो अब अगर ये भाजक से ज्यादा है तो इसमें हमको फिर से एक बार भाग ले जाना होगा। ये देखिए 4 आया है, मतलब भाज्य को जोड़ेंगे तो शेष फल भी जुड़ेगा, ये एकदम सत्य है। लेकिन अगर शेष को जोड़ने के बाद वो भाजक से ज्यादा आता है तो उसमें फिर एक बार जो है भाग ले जाएंगे, बस समझ गए? हाँ जी, इस चीज को लिखे, सब लिखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल लिखे लिखो, इनमें तुमको जैसे लिखना है सब लिखना है। हाँ तुम लोग का ये काम रहेगा, देखिए मेरा काम क्या है कि मैं आपको समझाऊंगा, है ना, और तुम्हारा ये रहेगा जब तक मैं समझ नहीं जाऊंगा मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है। हाँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हो, 500 लोग हो, आप सभी लोगों का ये कार्य है, आप तब तक हमको आगे नहीं बढ़ने देना जब तक आपको समझ में ना आ जाए। बस एक शर्त रहेगी,
यहाँ जैसे आज वाला कल पढ़ के आइएगा, अगर आज वाला कल पढ़ के नहीं आएंगे तो कल की क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। समझे? तो क्या समझे कि अगर हम भाज्य को जोड़ेंगे, मतलब भाज्य पर जो प्रभाव डालेंगे वही प्रभाव शेष पर तो पड़ेगा, लेकिन अगर शेष का मान भाजक से ज्यादा है तो उसमें हमको फिर से भाग देना होगा। लिख लो इस चीज को, लिखिए ना, देखिए नोट में लिख लीजिए, यदि 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 शेष का मान भाजक से ज्यादा है, शेष का मान भाजक से ज्यादा है तो उसे भाजक से पुनः भाग देंगे, तो उसे भाजक से पुनः भाग देंगे। ठीक है, चलिए ऐसा इसलिए होता, मैं तो आपको और थोड़ा समझाता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे अभी हमने जोड़ा तो क्या आया था, हमने क्या क्या लिया था, एक संख्या लिया 25, एक संख्या मैंने क्या लिया था 51, और कितना आया था 76, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी मैं टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूं, टेक्निकल बात को यहां पे समझिएगा, हमको जिन नौ में बात, देखिए ये भाग देने का एक फंडामेंटल रूल होता है कि मैक्सिमम जितनी बार इसमें भाग जाए, पहाड़ा जाए, उतनी बार हमको इसको ले जाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, नौ समझे, देखिए 13 बचा कि नहीं बचा, बचा लेकिन अगर रिमाइंडर का मान भाजक से ज्यादा है तो भाग एक बार और जाता है ना, इसीलिए इसको हम 72 बार, है ना, 8 बार ले जाएंगे तो 4 आता है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, क्या हुआ, कुछ लोग को बाउंस किया गया, है ना। हाँ, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा है तो एक बार पहाड़ा और चला जाता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई ना कि क्या अभी एक पॉइंट समझाया, केवल लगभग देखना आधा घंटे लगभग ना 20 मिनट हो गए, एक बार मैं आपको अभी तक समझाया कि जो प्रभाव हम भाज्य पर डालेंगे वही प्रभाव शेष फल ना शेष फल पर भी पड़ेगा, है ना। यही चीज आपको याद होगा, 2 गुना 3 गुना पे भी होता है, बताता हूं आपको। एक चीज और समझ लीजिए, तो एक लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए ये एक प्रकार का रफ वर्क है, एक मैं रफ वर्क आपको बता रहा हूं पढ़ने का स्मार्ट तरीका। देखिए जैसे आपने 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आता है, 5 आता है, ये क्या होता है भाई, भागफल होता है, भागफल होता है, शेष पर थोड़ी ना है। अगर शेष लिखना हो तो इसका एक तरीका है, ये होता है, ये लाइन खींच के आर, आर मतलब रिमाइंडर,
इसका मतलब पता क्या है, 15 में 3 का भाग देने पर शेषफल बराबर 0। इसका फायदा यह होगा तो हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे सुनिए, जिसे हम अभी आपसे ऐसे पूछ लें, इसे मत देखो, समझना ध्यान से, यह रफ वर्क मैं आपको बता रहा हूं। 17 में 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा, इतनी बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी बात को मैं देखो, स्मार्ट तरीका इसका क्या है, ये बात एक कही है। चाहे मैं इतनी बड़ी बात को बोल दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, इसका मतलब है 17 में 5 का जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये लिखने का तरीका है। ये थोड़ा आपको काम आएगा, बार बार आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा इसे, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 है ना। जैसे ये 25/9 रिमाइंडर कितना आएगा, 7। ओके, इसका यूज मैं करूंगा। तो ये मैंने इसका मतलब आपको समझा दिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, मान लीजिए, समझना, कोई संख्या ए है, हमने इसमें बी से भाग दिया और रिमाइंडर मान लो कुछ भी आया, रिमाइंडर मान लो सी आया। अब अगर हम इसको दुगना करेंगे, किसको, भाज्य को, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हम 3 गुना करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 गुना हो जाएगा। वही चीज जो भी समझा रहे थे, जो प्रभाव भाज्य पर डालेंगे वही प्रभाव शेष पर, है ना। और अगर आप गौर करिए तो डिवीजन थ्योरम में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, याद करिए, क्वेश्चन था नहीं, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष पर 5 बचता है, तो उस संख्या के 2 गुने को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो क्या करते थे, याद करिए, शेष फल को दुगना करते थे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप डिवीजन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को अलग अलग नहीं कर सकते। रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका डिवीजन थ्योरम का ही एक पार्ट है, लेकिन यहां पर मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरी अलग से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल, इफ ए इज डिवाइडेड बाई बी एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू सी, देन के ए डिवाइडेड बाई बी रिमाइंडर इज इक्वल टू के सी। मतलब हम भाज्य को जितना गुना के, यहां पर के कॉन्स्टेंट है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कुछ भी हो सकता है, इसको जितना गुना करेंगे ये उतना गुना हो जाएगा, है ना। फिर वो चीज ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर भाजक से ज्यादा है तो शेषफल को फिर से हम क्या करेंगे, भाजक से। आप इसको नोट कर लो, तो मैं इस पर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करवा ही देता हूं, लिखो।